लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। बस आपको करना क्या है, उस रास्ते को ढूंढना है, और उसे ढूंढने से पहले उस प्रॉब्लम को समझना है कि प्रॉब्लम है क्या, और फिर उस रास्ते को ढूंढने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी, अपनी पूरी जी जान लगा देनी है। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी, छोटी छोटी मगर जरूरी बातें, एपिसोड नंबर 2। बच्चों, आज जिस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉब्लम है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि इसमें 11th के चैप्टर से कॉन्सेप्ट लिया गया है और उसे 12th के किसी चैप्टर में यूज किया गया है, और इसीलिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इस प्रॉब्लम को छोड़ दे, ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो इस प्रॉब्लम को स्किप कर देते हैं। बच्चों, 11th में एक चैप्टर है कोलिजन, या वो टॉपिक आपने पढ़ा होगा कोलिजन, जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी में लॉस फाइंड करते हैं, और 12th में एक चैप्टर है एटम, तो उसके कॉन्सेप्ट को मिला करके ये क्वेश्चन बनाया गया। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, चलिए देखते हैं। देखिए इधर बच्चों, यहां पर अगर आप देखो तो अपने पास एक न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन। और ये न्यूट्रॉन कोलाइड करता हेड ऑन किसके साथ? एक हाइड्रोजन एटम के साथ, जो कि रेस्ट में है। एक बात जरा समझिएगा, सिचुएशन बच्चों यहां पर क्या है, सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन है और यहां पर हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है। और ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। और बच्चों, ये जो हाइड्रोजन एटम है वो रेस्ट में है, ये हाइड्रोजन एटम रेस्ट में है, ठीक। ये जो न्यूट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन एटम से जाकर के कोलाइड हो जाता है, और कोलिजन कैसा है, कोलिजन आपको गिवन है, हेड ऑन कोलिजन है, आमने सामने की टक्कर हो रही है। बच्चों, आपसे इसमें यह पूछा गया है कि किस टाइप का कोलिजन होगा, मतलब कि परफेक्टली इलास्टिक होगा या परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, या फिर इनके बीच में किसी टाइप का कोई कोलिजन होगा, ठीक है। तो आपसे कोलिजन का नेचर पूछा गया, कौन सा हो सकता है, और एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है कि कोलिजन में जो भी एनर्जी लॉस होगा, कोलिजन में जो भी एनर्जी लॉस होगा वो किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हीट लॉस के फॉर्म में निकल गया या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब या तो लॉस होगा या नहीं होगा। अगर लॉस नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, और अगर लॉस होगा तो वो पूरा का पूरा कौन एब्जॉर्ब करेगा, कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द हाइड्रोजन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि इनके बीच में जो कोलिजन होगा उसमें जो एनर्जी लॉस होगी वो अगर लॉस होगी तो वो पूरा का पूरा हाइड्रोजन एटम उसको एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो लॉस नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि कोलिजन कौन सा है। तो एक एक बात जरा मेरी सुनिएगा, कैसे सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं 11th का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं क्या है। देखिए बच्चों, आप जरा सोचो, न्यूट्रॉन का मास अगर मैं एम ले लूं और इसकी स्पीड वी ले लूं, ठीक है, और ये न्यूट्रॉन किससे जाके कोलाइड हो रहा है, हाइड्रोजन एटम के साथ। बताओ हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? तो आपको पता है कि अगर मैंने न्यूट्रॉन का मास एम लिया है, भाई हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या है, एक प्रोटॉन ही तो है, न्यूट्रॉन तो है नहीं, 1H1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम में क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन है, और अगर मैंने न्यूट्रॉन का मास एम माना है तो प्रोटॉन का मास भी लगभग लगभग एम मान सकते हैं, तो दोनों के मास क्या हो गए, सेम हो गए। अब बच्चों, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ठीक है, तो देखो मैं फाइंड कर रहा हूं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, बहुत ध्यान से सुनना, क्या, हाफ एम वन एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू इंटू अप्रोच वेलोसिटी, बच्चों यहां पर क्या है, वी, उसका स्क्वायर हो गया, साथ में आता है 1 माइनस ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने सुन रखा होगा, हाफ एम वन एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू इंटू वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने सुन रखा होगा, तो वही हम यूज कर रहे हैं। अब बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ, बताओ यहां पर कितना आ गया, एम बाय टू, ये हो गया वी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखो, हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, ये न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, और वो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि अगर न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी हो इतनी हो इतनी हो इतनी हो, अलग अलग केस में, तो मैं क्या कर रहा हूं, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को मैं के मान लेता हूं, तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया के, तो ये हो गया बच्चों के बाय टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी में लॉस, ये क्या आ गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी में लॉस, और जिसमें के क्या है, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है।
ये जो कॉन्सेप्ट लगा वो किसका था बच्चों, 11th वाले पार्ट का। अब चलो 12th वाले पार्ट में चलते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, कोई भी हाइड्रोजन एटम तभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जब वो किसी एक्साइटेड स्टेट में जा सके। ये आपने बोर पोस्टुलेट में पढ़ा होगा, कोई भी हाइड्रोजन एटम तभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जब वो किसी एक्साइटेड स्टेट में जा सके। चलो यहां पर देखो, जैसे बच्चों कोई हाइड्रोजन एटम है आपके पास, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर हम n इज इक्वल टू 1 पर हैं और इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक्साइट होकर n इज इक्वल टू 2 में चला गया या फिर n इज इक्वल टू 3 में चला गया, आपको पता है हाइड्रोजन एटम के केस में अगर हम n इज इक्वल टू 1 से 2 में इलेक्ट्रॉन को ले जाएं तो बच्चों ये गैप कितना होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम बच्चों यहां से यहां पर ले जाएं इलेक्ट्रॉन को तो 1 और 3 के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। तो हाइड्रोजन एटम जब भी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा वो किसी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तभी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब बच्चों ये कॉन्सेप्ट हो गया 12th का, ये हो गया 11th का, मिक्स करके देखो क्वेश्चन कैसा बनाया गया, ध्यान से सुने। जब ये न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम से कोलाइड करता है तो आपको बताना कोलिजन कौन सा हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और सुनो बच्चों, अगर हम E इज इक्वल टू 1 ले, उसको बोलते हैं 100% इलास्टिक। अगर E इज इक्वल टू 1 है मतलब 100% इलास्टिक कोलिजन है, और अगर E इज इक्वल टू 0 है मतलब 100% इन इलास्टिक है, ठीक है। तो अगर आप E की जगह 1 ले लोगे तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा, 0, कोई लॉस नहीं होगा। और अगर आप E की जगह 0 रख दो तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस आपको मिलेगा वो यहां पर मैक्सिमम मिलेगा, K/2 मैक्सिमम लॉस होगा ये। अब मैं एक एक करके काइनेटिक एनर्जी लूंगा न्यूट्रॉन की और मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि भाई कहां पर किस तरह का कोलिजन पॉसिबल है। तो आप जरा ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट, सबसे पहले बहुत ध्यान से सुने बच्चों, ये कह रहे हैं कि अगर न्यूट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो किस टाइप का कोलिजन हो सकता है। देखो यानी कि K की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा ये सोचो अगर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन लेके आता है तो ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कितनी, भाई कम से कम 0, और ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस हो सकता है, K/2। तो बच्चों जब आप लॉस निकालोगे काइनेटिक एनर्जी में तो जरा देखो यहां पर कितना आएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो आप कहोगे कम से कम 0 हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों K/2 है तो 12 by 2 करोगे कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यार खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम कह रहे हैं या तो 0 कोई लॉस ना हो या फिर हो तो ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस हो। अब जरा सोचो क्या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर लॉस हुआ तो हमने क्या बोला है कि जो भी लॉस होगा वो हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो लॉस नहीं होगा। तो ध्यान से सुनो, अगर मान लो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लॉस करा दिया तो क्या वो हाइड्रोजन एटम एक्सेप्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1 से 2 में भी अगर जाना है तो उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए ही चाहिए, तो 6 एब्जॉर्ब करके वो करेगा क्या, क्योंकि अगर उसने 6 एब्जॉर्ब कर भी लिया तो कहीं जा ही नहीं पाएगा, इसलिए वो एब्जॉर्ब करेगा ही। इसका मतलब ये होता है बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं कि कोलिजन कैसा होना चाहिए इस केस में, इस केस में कोलिजन होगा 100% इलास्टिक। कैसा होगा? 100% इलास्टिक, ठीक। क्यों 100% इलास्टिक? क्योंकि 100% इलास्टिक होगा मतलब E इज इक्वल टू 1 होगा तो कोई लॉस नहीं होगा, बात समझ में आ गई, कोई लॉस ही नहीं होगा तो उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ये एब्जॉर्ब कर भी ले तो उसका कुछ होता, वो एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तभी एब्जॉर्ब करेगा जब उसको 10.2 दो या 12.9 दो या इसके हायर एनर्जी लेवल पे कोई दो, बात समझ में आ गई। तो अगर आप बच्चों न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखते हो तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करेगा, मतलब किस टाइप का कोलिजन होगा, 100% इलास्टिक होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला देखो, अगर मान लो न्यूट्रॉन के पास कितनी एनर्जी हो बच्चों, 20.4 हो। देखो अगर न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 20.4 हो तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, बताओ लॉस क्या क्या हो सकता है, जरा खुद कैलकुलेट करके देखो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है। तो बच्चों अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, 100% इलास्टिक, और 100% इन इलास्टिक हुआ ये वाला, तो K/2 इसका हाफ करोगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा।
अब आपका दिमाग काम कर रहा होगा क्या? ध्यान से सुनो, अब यहां पर बच्चों दो पॉसिबिलिटी है, ध्यान से सुनना, दो पॉसिबिलिटी क्या, या तो एनर्जी में लॉस ना हो, दोनों केस हैं, या तो एनर्जी में लॉस हो ही ना, मतलब कि पहला क्या है यहां पर इलास्टिक कोलिजन, अगर 100% इलास्टिक कोलिजन होता है तो एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, और बच्चों जब एनर्जी में लॉस होगा ही नहीं तो फिर हाइड्रोजन एटम को कुछ अब्सॉर्ब करने की जरूरत ही नहीं है, वो जैसा है ग्राउंड स्टेट में वही रह जाएगा, यानी कि एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि 100% इलास्टिक हो जाए, बिल्कुल है भाई, इलेक्ट्रॉन का मन है अब्सॉर्ब करे या ना करे, अब वो अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है एनर्जी तो एक पॉसिबिलिटी है कि इलास्टिक कोलिजन हो जाए। अगर मान लो बच्चों यहां पर 100% इनइलास्टिक हो जाए, 100% इनइलास्टिक हो जाए तो यह भी हो सकता है, यहां हो सकता है, ध्यान देना यहां पर 100% इलास्टिक हो सकता है, क्यों? क्योंकि 100% इनइलास्टिक में बच्चों लॉस कितना होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करके वो 1 से 2 में जा सकता है, मतलब हाँ भाई पॉसिबिलिटी है, तब वो 1 से कहां चला जाएगा, 2 में चला जाएगा, तो 100% इनइलास्टिक भी हो सकता है। तो अगर 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके न्यूट्रॉन आता है तो बच्चों दोनों तरह के कोलिजन पॉसिबल हैं, या तो 100% इलास्टिक हो जाए तो ना एनर्जी में लॉस होगा ना उसे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट में रहेगा, या फिर 100% इनइलास्टिक हो ताकि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर ले जितना लॉस हो और वो 1 से 2 में चला जाए। बात समझ में आ गई? अब बच्चों पहले आप इतना नोट करो फिर मैं सी और डी पार्ट आपको बताता हूं। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, सी पार्ट में न्यूट्रॉन कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, मान लो अगर न्यूट्रॉन के पास 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो क्या होगा, ध्यान से सुने, अगर न्यूट्रॉन के पास, सी पार्ट में आ जाओ, सपोज न्यूट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या होगा, चलो चेक करते हैं। बच्चों यहां पर बताओ एनर्जी में लॉस निकाले तो क्या है, कम से कम 0, कोई लॉस ना हो, और ज्यादा से ज्यादा लॉस होता है बच्चों K/2, तो अगर मैं 21/2 करूंगा तो 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, यानी कि जो एनर्जी में लॉस होगा वो 0 से लेके 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का हो जाता है। 0 कब होगा, जब 100% इलास्टिक हो, और 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब होगा, जब 100% इनइलास्टिक हो। चलो कॉन्सेप्ट को पकड़ना है यहां पर बच्चों। अब देखो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है, चलो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि 100% इलास्टिक कोलिजन हो जाए, क्योंकि अगर 100% इलास्टिक कोलिजन होता है यानी कि E की वैल्यू 1 होती है तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा, 0। जब कोई लॉस ही नहीं होगा तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट में बना रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्राउंड स्टेट में बना रहेगा। तो एक तो ये हो सकता है कि भाई 100% इलास्टिक कोलिजन हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या 100% इनइलास्टिक हो सकता है, यहां पर क्या 100% इनइलास्टिक हो सकता है, सोचो बच्चों, अगर 100% इनइलास्टिक हुआ तो एनर्जी में लॉस कितना होगा, 10.5, और हाइड्रोजन एटम 10.5 एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसे या तो मत दो, और अगर एनर्जी दे रहे हो तो 10.2 दो, नहीं तो 12.09 दो, समझ रहे हो, तो ये तो वो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, इसका मतलब 100% इनइलास्टिक नहीं हो सकता। तो कौन सा हो सकता है बताते हैं, देखो भाई मैंने कहा यहां से यहां के बीच में कोई भी लॉस हो सकता है, तो हमें 10.2 चाहिए, तो 10.2 हो सकता है, और बच्चों ये किसके बराबर होगा, K/2, अभी बताया था K/2 1 - E2, भाई जो एनर्जी में लॉस हो रहा है हम चाहते हैं 10.2 का लॉस हो जाए। बच्चों K कितना है यहां पर, 21, तो 21/2 1 - E2 10.2, सॉल्व करके E निकाल लेना, वही आंसर होगा इसका। तो यहां पर दो टाइप के कोलिजन हो सकते हैं, पहला 100% इलास्टिक हो जाए, और अगर ये ना हो तो जो E इसका आ जाए वो वाला हो जाए, यानी कि बच्चों ये पार्शियल इलास्टिक है या पार्शियल इनइलास्टिक आप बोल सकते हो, मतलब ना तो प्योर इलास्टिक है ना ये प्योर इनइलास्टिक है, ठीक है, जो भी E आ जाए वही आंसर है, क्लियर। लास्ट डी पार्ट देखो बच्चों, अगर इतनी एनर्जी लेके आता है तो क्या होगा, चलो चेक करते हैं जरा। देखो बच्चों अगर न्यूट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जरा लॉस फाइंड करो, तो 0 से लेके इसका आधा करो, 12.09 इतना लॉस हो सकता है। तो चलो देखो अब यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर कोलिजन हो तो या तो 100% इलास्टिक हो जाए, क्योंकि अगर 100% इलास्टिक कोलिजन हो गया
यानी कि E की वैल्यू 1 हो गई। तो बच्चों आपको खुद समझ में आता है 100% इलास्टिक, ना एनर्जी में लॉस होगा, ना हाइड्रोजन एटम को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट का ग्राउंड स्टेट में बना रहेगा। तो ये तो सब में हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या 100% इनइलास्टिक हो सकता है? जरा चेक करो, क्या 100% इनइलास्टिक हो सकता है? सोचो, क्या 100% इनइलास्टिक हो सकता है? बच्चों 100% इनइलास्टिक में लॉस कितना होगा? 12.09। अरे भाई बिल्कुल हो सकता है, 12.09 हो सकता है लॉस। इससे वो n = 1 में सीधे n = 3 में पहुंच जाएगा, तो हाँ भाई ये भी हो सकता है। पर बच्चों ध्यान देना, यहां पर एक और हो सकता है, क्या? खुद सोचो, इसके इसके बीच में भाई n = 1 से 3 में जाने के लिए इतना चाहिए, मिल गया, यहां से इलास्टिक हो जाए 100%, तो ना एब्जॉर्ब करेगा ना लॉस होगा, कुछ नहीं, ग्राउंड का ग्राउंड में बना रहेगा। बच्चों आप सोचो, इन दोनों के बीच में 10.2 भी तो आता है, यानी कि अगर लॉस 10.2 का हो जाए, मतलब उसको आप क्या लिख दोगे, k by 2 1 minus e square, और k की वैल्यू कितनी है? 24.18। बच्चों सॉल्व करके e की कोई वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? तो इस टाइप का कोलिजन भी पॉसिबल है, पार्शियल। तो यहां पर बच्चों तीन तरह के कोलिजन हो सकते हैं, 100% इलास्टिक हो सकता है, ना लॉस होगा ना एब्जॉर्ब करेगा, ग्राउंड का ग्राउंड में बना रहेगा। 100% इनइलास्टिक भी हो सकता है, सीधे 1 से 3 में पहुंचा देगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और बच्चों पार्शियल इनइलास्टिक भी हो सकता है, जो भी E की वैल्यू आ जाए आप सॉल्व कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चों इस तरीके से इसमें कोलिजन के कॉन्सेप्ट को मिला करके एटम के साथ दिया जा सकता है। एक दो बातें और समझ ले, मैंने तो यहां पर चार अलग अलग केस में आपको कराया ताकि सारे कॉन्सेप्ट समझा सकूं, एग्जाम में इनमें से कोई एक चीज पूछी जाएगी आपसे। बात समझ में आ गई? तो अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों एक बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू।